ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न मिलितमिन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितमिन भूतले स्वयं रूपा कदाभयं ददाति स्वदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगणनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरी प्रिय बहन भाइयों, संगीत प्रेमी जनों, गीत प्रेमी जनों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ आज की सभा में। ये गीत प्रभात नामक सभा समय समय पर बुलाई जाती है और इसमें मेरे हृदय से निकली हुई कुछ टूटे फूटे जो भाव हैं उन्हें मैं आपको सुनाता रहता हूँ। यह समझकर कि आप सबको भी भगवान की स्मृति प्रेम का लाभ मिले, स्मृति ताजा हो, आपके हृदय में प्रभु का प्रेम भरे और सदैव आप प्रभु की शरण में रहें, क्योंकि भगवान को पीठ देने से हमको अनेकों तकलीफ और कष्ट सामने आती हैं, विपदाएं जिनमें हम उलझ जाते हैं और निकलना भूल जाते हैं, फंस जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। और फिर जन्म होता है कहीं इधर उधर जाके कर्मों के अनुसार, फिर जन्म लेते हैं, माँ की कोख से निकलते हैं, रोते हाथ पैर हिलाते और खाते पीते हैं तो बड़े हो जाते हैं, लंबे चौड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, फिर हमको वही चीज़ें सताती हैं, काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच ईर्ष्या जलन इत्यादि। तो ये सब विनाशकारी चीजें हैं, बड़े शत्रु हैं आपके जीवन में, जिनको भगवान ने स्पेशली गीता में कहा है कि अर्जुन को उपदेश करते हुए त्रिविधम नरकश्च इदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभस् तस्मात् एतत् हिम तजेत। ये अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ ये नरक में ले जाने के खुले दरवाजे हैं, आत्मा को नाश करने के लिए। हमारी आत्मा यानी हमारा पतन, अगर हमारा पतन है तो हम नष्ट हो गए, जैसे कोई समाज में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही हम नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वो भगवान कह रहे हैं आत्मा का सौल का कभी नाश नहीं होता, वो तो अजर अमर है। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, न च एनम कलिदीयन्तापो, नाशोष्यति मारुतः। आत्मा तो अजर अमर है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये अर्जुन, जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को, फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करके और नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर और इसकी भावना के अनुसार
दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा का कभी नाश नहीं है, हमारा कभी नाश होता नहीं, लेकिन हमारे शरीर गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर अगली यात्रा करते हैं। ऐसे जन्म 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 हजारों लाखों करोड़ों जन्म हमारे बीत जाते हैं, लेकिन हम हर जन्म में हमने कहाँ धोखा खाया उस बात को पूर्णतया भूल जाते हैं और फिर एक बच्चे की तरह, छोटे से जीव की तरह शरीर धारण करके माँ की कोख से निकलते हैं और वहाँ वहाँ करके रोने लगते हैं और फिर जाके खिलौने में छोटे छोटे खिलौने झुंझुने पकड़ा देती हैं माताएं, उनसे खेलने लगते हैं, दूध पीते हैं और जो भी भोजन करती हैं, थोड़े फूलने लगते हैं। जवानी आती है तो काम वासना सताती है, एक शादी और बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है और डुंडुल हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और एक दिन मृत्यु हमको गलप कर जाती है, खा लेती है, निगल जाती है। फिर हमने इस जीवन में जो प्रिपरेशंस की, जैसी भावना, जैसे विचारों की लिस्ट बनाई, भाव उनका एक गुब्बार बनाया, जैसी भावना बनाई, उस भावना के अनुसार फिर हमारा अगला एक जन्म हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यमयम वापी स्मरम भाव त्यजतंती कलेवरम तम तमे वैति कौंती सदा तद भाव भावित। हे कुंती कुंती नंदन अर्जुन, ये जीव, ये प्राणी जिन जिन विचारों का स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है, उन विचारों में ही प्रवेश कर जाता है। ये नियम लागू हमारे जीवन में भी होता है। हम जिन जिन विचारों को लेकर के जीवन में जीते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। यदि हम चोर, डाकू, लुटेरे बनना चाहते हैं तो हमारे ऐसे विचार उठने लगते हैं और हम बन जाते हैं एक दिन। यदि हम एक धनाढ्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो केले बेचने से प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक दिन जो मर्सिडीज कार बेचने लगते हैं, एरोप्लेन बेचने लगते हैं और धनाढ्य बन जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार मुख्य हैं। विचार ही काम में परिणित होते हैं और विचारों के पीछे बैठी हुई हमारी इच्छा अभिलाषा है। जैसे हम अभिलाषा करते हैं, ऐसे ही विचारों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है और हम वैसे बन जाते हैं। एक छोटा सा सिपाही एक राजा बन जाता है, एक गरीब घर में पैदा हुआ एक्स वाई जेड, एक कच्चे घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति देश का नेता बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये हमारे विचारों के ऊपर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यमयम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंती कलिवरम तम तमे वैति कौंती सदा तद्भाव भाविता। ये अर्जुन, ये प्राणी जिन जिन विचारों का स्मरण करते हुए, तब ये स्मरण अंत समय में तम तमे वैति कौंती, तो अंत समय में, अंत मता सोगता, अंत समय में हम यदि उस परमेश्वर को जिसकी हम संतान है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन है षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। ये हमारा मन ही संसार की ओर दौड़ने में बड़ा कुशल है, क्योंकि ये भौतिक तत्व है, सांसारिक तत्व है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म की ओर यात्रा करने में इसे थोड़ा सुगमता नहीं लगती, लेकिन भोगों की ओर दौड़ने में इसको बड़ा आसान और सुगम लगता है और उसमें आनंद लेने लगता है, रुचि लेने लगता है। तो ये मन जो है, इस पवित्र आत्मा को, सच्चिदानंद आत्मा को संसार की ओर खींचता है। मन है षष्ठाणि इंद्रियाणि
प्रकृति स्थानीय कर सकती। ममेवांश, ये अर्जुन ये अनंत ब्रह्मांडों में जो अनंत जीव आत्माएं हैं ये मेरे अंश हैं। ममेवांश जीव लोग जीव भूत सनातन है, और ये सनातन है, इटर्नल है, नेवर बॉर्न नेवर डाई, वन से सेपरेट फ्रॉम यू। दे आर फॉर एवर स्पिरिट सोल आत्मा सच्चिदानंद आत्मा। इसलिए जब ये विचार श्रृंखला हमारी भगवान की स्मृति में रहती है, भगवान की शरण में हम रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जीते हैं, फूलों के बाग लगाते हैं, तुलसी के बाग लगाते हैं, या कोई सत्कर्म करते हैं, दान दया धर्म पूर्ण कर्म, तो हमारी विचार श्रृंखला सदैव भगवान श्री कृष्ण को, उस परमेश्वर को, आदि पुरुष नारायण को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं जीवन भर। चाहे हम खेती कर रहे हों, फैक्ट्री चला रहे हों, या कोई ऊंचे पद पर बैठकर शासन कर रहे हों, या कोई छोटे कर्मी की तरह कर्म कर रहे हों, वर्कर की तरह, हम जहां भी वहीं रहते हुए हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को याद रख सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, और सेवा कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं अपने जीवन में, उनकी सतत याद बनाए रखते हैं, तो अंत समय में जब हमारा ये शरीर का देह का त्याग होता है, शरीर छूटता है, उस समय हमको उस नारायण की याद ताजा बनी रहती है, याद आती है। जब कोई सहारा नहीं होता, ना पैसा काम आता, न पुत्र न पत्नी न यार न रिश्तेदार, कोई वैद्य दवाई हकीम, उस समय हम सरेंडर होते हैं कि हे नारायण, हे गोविंद, हे प्रभु, अब ना जाने में कहाँ जाऊंगा, मेरे सामने अंधकार है, मेरी रक्षा करो। जब ऐसी याद प्रभु की अंत समय में आती है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ये वचन देते हैं कि ऐसे स्मरण करने वाला यदि व्यक्ति मेरा स्मरण कर रहा है तो वो मेरे धाम को आता है, मेरे परम धाम को आता है, इस इटर्निटी को, वैकुंठ जगत को प्राप्त करता है। नो संदेह, संदेह नहीं है। यमयम वापी स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौंते सदा तद्भाव भावित। तो आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एन केन प्रकारेण उस परमात्मा को अपने जीवन के केंद्र में अवश्य बनाए रखें और सभी कर्म करें। यदि भगवान आपकी स्मृति में होंगे तो आपको पग पग पर विपताओं से वो स्वयं बचाएंगे। खोटे कर्मों में भी आप पांव देना भी चाहोगे तो नहीं दे पाओगे, वे आपको इंस्पायर करेंगे, वापस घर ले आएंगे, साथ सतपथ पर ले आएंगे। ये मेरा अनुभव है और ये सत्य है, संतों का अनुभव है, ग्रंथों का कहना है, शास्त्रों में कथन है, वेदों के वाक्य हैं, उपनिषदों की शिक्षा है कि हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में रहकर जिए। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, उन भगवान श्री को श्री के चरण कमलों में ही हमको परम शांति परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, इस जन्म में जीते जीते भी और मुक्त होने के बाद उनके धाम का आनंद रसोस्वादन हम ले सकते हैं, उनके सानिध्य का, उनके चरणों में बैठने का आनंद हम ले सकते हैं। इससे बड़ा, इससे परम आनंद कोई नहीं है, इसी को परमानंद कहा। फॉर एवर, सदैव के लिए, जो कभी क्षण क्षर नहीं होता,
अक्षर आनंद, अक्षर आनंद। आइए आज की सभा में हम आपको दो भजन सुनाएंगे, इतने ही हमारे पास हैं, तो आप भजन सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं पहला भजन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गोविंद हरि तेरी, हरि तेरी जब जब याद करी, हरि तेरी जब जब याद करी, अखियन से अश्वन की धारा, अखियन से अश्वन की धारा, मति बनी बावरी, मति बनी बावरी, हरि तेरी जब जब याद करी, हरि तेरी जब जब याद करी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरि तेरी जब जब याद करी, हरि तेरी जब जब याद करी, काम काज में मन नहीं लग, हाँ काम काज में मन नहीं लागा, काम काज में मन नहीं लागा, हृदय धीर धरी, हृदय धीर धरी, हृदय धीर धरी, हरि तेरी जब जब याद करी, हरि तेरी जब जब याद करी, अखियन से अश्रुवन की धारा, 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 मति बनी बावरी, मति बनी बावरी, हाँ मति बनी बावरी, हरि तेरी जब जब याद करी, जब जब याद करी, सूरज चांद ढले न ढले नभ, सूरज चांद ढले न ढले नभ, एक जन्म सी घड़ी, सूरज चांद ढले न ढले नभ, एक जन्म सी घड़ी, एक जन्म सी घड़ी, एक जन्म सी घड़ी, भगवान की वियोग में या विरह में उनके मिलन की आशा लेकर के जो अपने जीवन को जी रहे हैं, ऐसे संत भक्त भगवान की जब याद करते हैं तो उनका दिल भर जाता है, सिस्कारे सिस्कियाँ निकलती हैं हृदय से उनके मिलन के लिए, कभी आए बढ़ते
ऐसी याद में ये जन्म के समान एक घड़ी निकलती है, यानी एक घड़ी एक जन्म के समान लंबी हो जाती है, काटे नहीं कटती। हरी तेरी जब जब याद करी, हरी तेरी जब जब याद करी, सूरज चांद ढले न ढले नभ, सूरज चांद ढले न ढले नभ, एक जन्म सी घड़ी, एक जन्म सी घड़ी, हरी तेरी जब जब याद करी, हरी तेरी जब जब याद करी, जब जब याद करी। कस्तूरी तिल कमल लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रेवर मुक्तिकं करतले वेणु, करे कंकणम गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते, श्री गोपाल चूड़ामणि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर मर्दनम, देव की परमानंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरी तेरी जब जब याद करी, अखियन से अश्रुवन की धारा, अखियन से अश्रुवन की धारा मति बनी बावरी, हरी तेरी जब जब याद करी, हरी तेरी जब जब याद करी, सांख्य फकीरा हरि हाँ, सांख्य फकीरा हरि बाट जोता, सांख्य फकीरा हरि बाट जोता, बात ये खरी खरी, सांख्य फकीरा हरि बाट जोता, सांख्य फकीरा तेरी बाट जोता, बात ये खरी खरी, हरी तेरी जब जब याद करी, हरी तेरी जब जब याद करी, जब जब याद करी, हरी तेरी जब जब याद करी, अखियन से अश्रुवन की धारा, अखियन से अश्रुवन की धारा मति बनी बावरी, हरी तेरी जब जब याद करी, हरी तेरी जब जब याद करी, हरी तेरी जब जब याद करी। जय गोपाल।
ये आज की सभा का पहला भजन आपको सुनाया। दूसरा भजन है, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, भोग विलासन की नगरी में, भोग विलासन की नगरी में मन मस्ती में झूला नर तेरा, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला। अहम में भर कर मूछ मरोड़े, अहम में भर कर मूछ मरोड़े, फिरता है फूला फूला, अहम में भर कर मूछ मरोड़े, फिरता है फूला फूला, काम क्रोध मद मत्सर माथे, काम क्रोध मद मत्सर माथे, मत्सर माथे पानी का सब भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, घर का रास्ता, घर का रास्ता भूला गोविंद, घर का रास्ता भूला गोविंद, घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, घर तेरे नर तेरे घर का रास्ता भूला, भोग विलासन की नगरी में, भोग विलासन की नगरी में मन मस्ती में झूला, मन मस्ती में झूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला। सत्संगत का चाव कहाँ अब, सत्संगत का चाव कहाँ अब, चलचित्रन का छबीला, चलचित्रन का छबीला। सत्संगत का चाव कहाँ अब, चलचित्रन का छबीला। भूल फूल के बीज बिछारा, आ भूल फूल के, भूल फूल के बीज बिछा रहा कांटों के बीच, आ भूल फूल के बीज बिछा रहा कांटों के बीच कबीला। भूल फूल के फूलों के बीज बोना भूल गया, और कांटों के बीज सारा कबीला यानी समुदाय मिलकर के बो रहा है, एक बड़ा समुदाय है। फूल हाँ, भूल फूल के बीज बिछारा कांटों के बीज कबीला, कांटों के बीज कबीला, कांटों के बीज कबीला। नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला। ना नारायण ना गोविंदा, ना नारायण ना गोविंदा, ना शंकर त्रिशूला, ना शंकर त्रिशूला। ना नारायण ना गोविंदा, ना शंकर त्रिशूला। सांख्य फकीरा कहाँ सुदामा, सांख्य फकीरा कहाँ सुदामा, कहाँ रही नारी सुशीला, कहाँ रही नार सुशीला, हे कहाँ रही नार सुशीला। नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला। भव भोग विलासन की नगरी में, भोग विलासन की नगरी में, मन मस्ती में झूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, नर तेरे घर का रास्ता भूला, घर का रास्ता भूला, घर का रास्ता भूला, घर का रास्ता भूला। जय गोपाल। आज की सभा के दो गीत आपको सुनाएं और इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे शब्दों से भजनों से कि हम भगवान को कभी ना भुलाएं। ये मेरी भी आपसे विशेष विनती है कि भगवान की शरण में रहने से आपका सभी कुछ सही रहेगा, खान पान भी, व्यवहार भी और प्रेम भाव भी। जब ये प्रेम भाव व्यवहार स्तर ऊंचे स्तर पर होते हैं, खान पान भी, तब आपके काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच ये तमोगुण
तले में चले जाते हैं, यानी इनकी न्यूनता दिखाई देने लगती है, अपने अंदर अभाव दिखाई देने लगता है अपने भीतर, और प्रेम का प्रभाव, प्रेम की धारा बहने लगती है। शुद्ध व्यवहार, सच्चाई का लेना देना, सौदा करना दिखाई देने लगता है कि हम अभी साचा व्यवहार कर रहे हैं, सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। ये सब गुण प्रेमी के हृदय में उतरने लगते हैं, सद्गुण। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त के हृदय में सारे दिव्य गुण विद्यमान रहते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर आत्मयोग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जो अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिर अपैशुनम दयाभूतेश्व अलोलुत्वम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम ऐद्रोह न अतिमानिता भवंती संपदम देवी अभिजातश्च भारत। हमारी शुद्धता की, शुद्ध भावना के साथ, प्रेममयी भावना के साथ जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उनको प्रसन्न करने के भरसक प्रयास करते रहते हैं, तब हमारे हृदय के भीतर, हमारे मन मस्तिष्क में ये 26 दैवी संपदा के गुण जो भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन को उपदेश किए हैं, इस सभी के साथ रहते हैं। लेकिन जन्म दर जन्म ये पवित्र भावना के ऊपर तरह तरह के रंग चढ़ जाने से जमाने के वो भावना कलुषित हो जाती है, तभी गुणों का अभाव हो जाता है और अवगुण यानी आसुरी गुण प्रकट होने लग जाते हैं। ये बड़े खतरनाक है, ये हमको उल्टे पांव करके, सर नीचे को करके नरक की ओर ले जाते हैं। हम अपवार्ड नहीं जाते, डाउनवार्ड जाते हैं। हम सदगति को प्राप्त नहीं हो पाते, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान की शरण सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, कनेडियन हो, जापानी, चाइनीज, सभी को उस प्रभु को प्रणाम करके जलपान करना चाहिए। जय गोपाल कहते हुए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। ये सभा इतनी समय के लिए थी और शीघ्र ही फिर आपके समक्ष प्रस्तुत प्रकट होगा और मेरे दिल में कोई भाव, शुद्ध भाव प्रकट हुए, मैं आपको अवश्य उन्हें सुनाऊंगा, आपको लाभ दूंगा, मैं भी लाभान्वित होऊंगा सुना करके। हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, हमारे पिता एक ही हैं सभी के। जैसे भगवान जीसस ने कहा है, लॉर्ड जीसस ने, कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सभी शास्त्रों ने यही कहा है कि हम उसके अंश हैं, उनके उनकी संतान हैं सब। तो ये हम, ये बात बड़ी छोटी लगती है, लेकिन इसको अगर सदैव अपने हृदय में धारण करें तो हम सतपथ पर चलेंगे, सतपथ को कभी नहीं बिसरेंगे और आनंद की ओर ही जाएंगे। हमारा रथ आनंद की ओर ही दौड़ेगा और दौड़ता दौड़ता परमानंद को प्राप्त कर लेगा। वो है प्रभु का धाम, परम धाम, वैकुंठ का अनंत धामों में सुप्रीम, पर सुप्रीम अबाउट परम धाम, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ा लाभ आपको हजारों जन्म लेने पर भी और हजारों बार अरबपति खरबपति बनने पर भी या बड़े बड़े शहंशाह बनने पर भी प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु का स्मरण कीजिए, उनकी शरण में रहिए, आपको
सदैव लाभ मिलेगा, आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा। सभी आपकी अभिलाषाएं वो प्रभु पूर्ण करेंगे, आपकी ढाल की तरह रक्षा करेंगे। वो ढाल बनकर अपने भक्तों के ऊपर दृष्टि रखते हैं। आप समझदार हैं। जय गोपाल, जय गोपाल। कोई प्रश्न अगर कभी भी आपके हृदय में उठे तो आप अवश्य पूछिए। जय गोपाल।